हेलो बच्चों एवरी नीट एस्पिरेंट कंप्लीटली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी एंड टू हेल्प यू कवर एनसीईआरटी कंप्लीटली आई बायोग्रू बीना राव ब्रिंग्स टू यू एमसीक्यू अलर्ट्स ऑफ एनसीईआरटी इस सीरीज में मैं आपको एनसीईआरटी के हर टॉपिक की पूरी तैयारी करवाऊंगी वी विल कवर द फुल एनसीईआरटी सिलेबस चैप्टर वाइज एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स विद प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज तो बच्चों नीट में बेहतरीन मार्क्स पाने की तैयारी के लिए ज्वाइन मी इन स्पेशल एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीआर एट इलेवन एम इन दिसज वी विलोवाज ऑफ ऑल दी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ऑफ एमसीचन इन लास्ट टेन ईयर्स एंड एक्सपेक्टेड एम सीज कैन बी फ्रेम चैप्टर वाइजो अंडरलाइन द इमार्टेंट पॉइंट ऑफ एनसीआर एनसीआरटी से ऐसी नीट तक के सफर के लिए डॉन टू सब्सक्राइब टू चैनल एंड अटेंड दिस स्पेशल क्लासेस डेली एट 11 एम हेलो बच्चों अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दिस इज बीना राव आई वेलकम यू ऑल टू बायो गुरु बीना राव हाउ आर यू पीपल डूइंग यार बायो गुरु पे अपने दो सुपर ऑसम सीरीज चल रही है मॉर्निंग में वी डू एमसीक्यू अलर्ट्स ऑफ एनसीईआरटी एंड इवनिंग में वी हैव मॉक टेस्ट फुल मॉक टेस्ट फोर्टी फाइव क्वेश्चन इन जस्ट वन आवर वन आवर से भी कम में मैं कहूँगी फोर्टी फाइव क्वेश्चन इन फोर्टी फाइव मिनट्स आपको सॉल्व करने हैं वन आवर पूरे लेक्चर का टाइम आप लगा सकते हो तो पूरे

2010 से 2020 में आए हैं लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चंस को समझते हैं प्लस एनसीईआरटी के किस पेज नंबर से किस लाइन से वो क्वेश्चन आया था वो भी हम मार्क करते हैं यस एवरी वन गुड 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 मॉर्निंग बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हो सारे बच्चे अटेंडेंस तो लगा लो फटाफट से अटेंडेंस लगा लो जल्दी से तो बच्चों दो सीरीज है आपकी मॉर्निंग में वी हैव एम सी क्यू अलर्ट ऑफ एन सी आर टी इवनिंग में वी हैव वी हैव फुल लेंथ मॉक टेस्ट सिलेबस पूरे सिलेबस से ये फुल लेंथ है डॉक्टर वैभव गुड मॉर्निंग प्रणाम खुश रहो आबाद रहो मस्त रहो स्वस्थ रहो इरफान अली हेलो प्रियंका सुमन वेरी गुड मॉर्निंग श्रेया गुड मॉर्निंग जोशी जी वेरी गुड मॉर्निंग कृष्णा तुलिका डॉक्टर वैभव रामनिवास अब्दुल तो आज का चैप्टर बच्चे हम हम कंप्लीट कर चुके हैं अप टू आर एंटायर जेनेटिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड ये एक ऐसा चैप्टर है जो ना सिर्फ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है इम्यूनिटी कैसी होती है एड्स कैसे स्प्रेड होता है प्लाज्मोडियम कैसे इन्फेक्ट करता है मलेरिया कैसे कॉज होता है क्रिश पटेल को तो सिर्फ मैंटी चाहिए नाथिंग एल्स यस नाथिंग एल्स पटेल को तो सिर्फ और सिर्फ चाहिए गुड मॉर्निंग तुलसीदास मिनरल अब्दुल तो बच्चे ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से आपके दो क्वेश्चन फॉर श्योर आते हैं अब चूंकि हमने थोड़ा ट्विस्ट लेकर के आए हैं हम अपनी सीरीज में जिसमें अब हम रिवर्स चलेंगे पहले आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा पहले आप बच्चे अपने ज्ञान चक्षु पे ज्ञान चक्षु पे थोड़ा फोकस करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड फिर वो क्वेश्चन करने के बाद आपको वो टेक्स्ट दिखाया जाएगा जहां से एनसीईआरटी से वो क्वेश्चन उठाया गया है सो एवरी वन रेडी विद योर एनसीईआरटी एनसीईआरटी एंड अ पेंसिल पेंसिल एंड एनसीईआरटी के साथ तैयार है सारे बच्चे येस और नो गुड मॉर्निंग अनोनोमस पर्सन जल्दी आओ यार फटाफट फट्ट से जल्दी से आओ सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दो अपने अपने सोशल मीडियाज़ पे जो पुराने बच्चे हैं सारे नाम मुझे दिख रहे हैं वो लाइक एंड शेयर कर लो क्लास को नए बच्चे सब्सक्राइब कर लो चैनल को बिकॉज ऐसी बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें हैं जो आपके लिए टाइम टू टाइम आती रहेंगी इस चैनल पे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन यस हेलो डन एन सी आर टी एंड पेंसिल हथियार रेडी एवरी वन यस सो नो यस और नो इरफान अली ठंडी बहुत ज्यादा है बच्चे शीतलहर के झोंके जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं यस yes. ये देखो गुड मॉर्निंग की जगह कोल्ड यू मॉर्निंग इट इज़ इज़ी चैप्टर लाइक हलवा यस ऑफ़ कोर्स इज़ी चैप्टर है एंड इससे दो क्वेश्चन आते ही हैं ऑन एवरेज तो आप सोचिए इज़ी चैप्टर भी इज़ी है क्वेश्चन लगाना भी इज़ी है इंटरेस्टिंग भी है बिकॉज आपकी लाइफ में क्या चल रहा है कैसे इम्यूनिटी अपने डेवलप कर सकते हो कितनी कितनी टाइप की इम्यूनिटीज होती है टाइफाइड जो कि एक मोस्ट कॉमन डिजीज है जो इंडियंस में होता ही होता है मैंने अपनी लाइफ में 90% परसेंट लोगों के के लिए ऐसा सुना है कि टाइफाइड तो हुआ है जी बिल्कुल हुआ है बिल्कुल हुआ है है ना यस yes, तो ये सारी चीजें आज हम समझेंगे राइट चलो बच्चों एनसीआर इज रेडी एवरी स्टार्ट करते हैं अपना आज की कक्षा विद विद लॉट्स ऑफ जोश इन द मॉर्निंग जिसको थोड़ा भी जोश नहीं फील हो रहा है वो फटाफट से बाहर जाए बाहर जाए एंड एक शीत लहर का झोंका लेकर के आए अगर शीत लहर नहीं है तो जाए वॉशरूम में ठंडा पानी टन से एकदम अपने फेस पे डाले एकदम ज्ञान चक्षु ओपन हो जाएंगी एनर्जीज एकदम हाई हो जाएंगी गुड मॉर्निंग जैसी प्रिया चलो बच्चों फिर करते हैं स्टार्ट अपनी आज की कक्षा विद द लेटेस्ट 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 क्वेश्चन डॉक्टर ऋतिक चलिए जी स्टार्ट करते हैं हाय जोश एवरीवन वेरी हाई जोश लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपकी लाइफ से कंप्लीटली रिलेटेड है ये वाला चैप्टर अब्दुल रहमान कंप्लीटली सो फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन ऑन योर स्क्रीन जो 2018 में आया हुआ सवाल है एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन का जो टेक्स्ट है एनसीआरटी में कहा है आई विल शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडली इस क्वेश्चन का जो टेक्सट है इसी टेक्स से इसी पर्टिकुलर पार्ट part से काफी क्वेश्चन आए हैं Uh, फातिमा इट इज़ फॉर योर बेनिफिट ओनली आपके ही बेनिफिट के लिए है आप समझते हुए चलो सुनते हुए चलो हो सकता है आप रन टाइम पे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व uh, कर पाओ बट डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे यस एवरी वन चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ए बी सी डी मत लिखो यार कोशिश करो पूरा आंसर लिखने की डोंट ट्राई टू राइट ए बी सी डी कोशिश कीजिए आप पूरा आंसर लिख रहे हो गेटिंग द आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी सेलमोनीला टाइफी विडाल टेस्ट सेलमोनीला टाइफी विडाल टेस्ट ग्रेट 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 एवरी वन मैक्सिमम सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है छा गए यार तुम लोग तो छा चुके हो पहले ही सवाल में लेटेस्ट क्वेश्चन है उसी में ही छा गए हो तो क्वेश्चन क्या आपसे पूछता है क्वेश्चन आपसे पूछा है बच्चों आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कोजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड टाइफॉइड को कॉज करने वाला एजेंट कौन सा है ये आपको आइडेंटिफाई करना है एंड द टेस्ट एज वेल जो टाइफॉइड को कंफर्म करता है तो एजेंट है मेरे लाल सेलमोनीला टाइफी एंड टेस्ट जिससे कंफर्म होता है दैट वी हैव टाइफाइड दैट इज योर विडाल टेस्ट दैट इज योर विडाल टेस्ट राइट तो सेल्मोनीला टाइफी इज योर पॉजिटिव एजेंट एंड विडाल टेस्ट इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट जो कि टाइफाइड होने का कंफर्मेशन देता है आप बच्चों में से रेज योर हैंड किस किस को अब तक की आपकी लाइफ में टाइफाइड हुआ है चैलमी मी गुड मॉर्निंग इकरा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग डॉक्टर रितिक ग्रेट बताओ किस किस को टाइफाइड हुआ है अब तक की लाइफ में फिर हम देखते हैं एनसीआरटी में कहा लिखा हुआ है डाल टेस्ट ग्रेट सूर्यदीप यादव हुआ है निशा राजपूत को भी हुआ है वैश्वी और मोस्ट मोस्ट वेलकम नॉट मी अजमल मी श्रेया हुआ है आयत हुआ है अखिलेश हुआ है अब्दुर हुआ है ये देखो मैक्सिमम मुझे हुआ है लग रहा है एक दो तो बच्चे ऐसे हैं जो जबरदस्त लिख रहे हैं नहीं हुआ बाकी सबका सबको टाइफाइड हुआ है, है ना मुझे तो कई बार हुआ ही देखो मुझे तो कई बार हुआ है यस यस ग्रेट चलो बच्चों देखते एक बार एनसीईआरटी में कहां पे लिखा हुआ है तो आपकी एनसीईआरटी का अध्याय नंबर नेक्स्ट आ चुका है पेज नंबर 146 146 पेज नंबर को ओपन करो सारे बच्चे चैप्टर का नेम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पेज नंबर 146 टाइफाइड को कॉज करने वाला कॉज़ेटिव एजेंट इज योर सेलमोनीला टाइफी अंडरलाइन करो फटाफट फट्ट से प्रणाम एस कुमार अभी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ सेलमोनीला टाइफी इज अ कॉजिटिव एजेंट कम ऑन एवरीवन वन अंडरलाइन करो इसको इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉजेज टाइफॉइड टाइफाइड को कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म इज योर सेलमोनीला टाइफी राइट ये जो पैथोजन है आपका सेलमोनीला टाइफी जनरली एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड फूड के थ्रू आप कुछ भी बाहर खाते हो जंक फूड खाते हो उसकी उसके थ्रू उसके थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एंटर कर जाएगा एंड इट माइट एंटर थ्रू वाटर एज वेल तो बाहर का जो जंक फूड है या बाहर का कंटेमनेटेड वाटर आपको इसीलिए नहीं पीना चाहिए बिकॉज़ उसके अंदर ऐसे ऐसे बैक्टीरिया वायरसेस प्रेजेंट हो सकते हैं एक आपको सिंपल सी चीज़ बताती हूँ जो भी फॉरनर्स uh, होते हैं जो टूरिस्ट प्लेस पे घूमने के लिए आते हैं इंडिया में वो कभी भी यहाँ का पानी नहीं पीते हमेशा वो मिनरल वाटर कैरी करते हैं अपने साथ में बिकॉज वाटर एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू डिजीज़ मैक्सिमली स्प्रेड हो सकते हैं राइट बिकॉज वाटर हमको पीना भी बहुत होता है तो वाटर कंटामिनेशन भी उसमें बहुत ईजिली डि डिजोल्व हो जाता है जिसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो तो ईजिली डिजोल्व वाटर के अंदर सिंस आप कंटामिनेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते वायरस बैक्टीरिया यू कैनॉट सी आप देख तो नहीं सकते हो पानी तो पीना है तो पानी की वजह से कंटामिनेटेड वाटर की वजह से बहुत सारे डिजीज कॉज हो सकते हैं टाइफाइड इज वन अमक दम एंड इसमें क्यूचन भी आपका आता ही है नीट में क्वेश्चन भी नीट में आएगा ही आएगा यस यस एवरीवन तो स्मॉल uh, इंटेस्टाइन में आपका बैक्टीरिया एंट्री कर सकता है थ्रू फूड या फिर वाटर कंटामिनेटेड विद देम एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड अब जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आ गया तो इट इज वेरी सिंपल पाथवे फॉर दैट फॉर दैट ऑर्गेनिज्म चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वो वायरस है ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद सभी ऑर्गन्स के पास में उसकी रेचेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ब्लड स्ट्रीम तो पूरा कनेक्टेड है इट इज समथिंग लाइक बिल्डिंग में जो पाइपलाइंस होती है चाहे वाटर की पाइपलाइन हो चाहे गैस वाली पाइपलाइन होती है वो पूरा बिल्डिंग को कनेक्ट करती है सिमिलरली ब्लड स्ट्रीम भी हमारी पूरी बॉडी में हर एक ऑर्गेन को कनेक्ट करती हुई प्रेजेंट होती है राइट तो समथिंग कुछ भी चाहे वो बैक्टीरिया है कुछ भी एंटीजन है बैक्टीरिया है वायरस है अगर वो ब्लड स्ट्रीम में आ गया तो इवेंचुअली इट विल स्प्रेड टू योर ऑर्गन्स राइट राइट एवरीवन? तो ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद जैसे ही हाई फीवर होता है पहली चीज हाई फीवर होना इज द इंडिकेटिव फीचर ऑफ व्हाट नॉट ऑफ डिजीज इनफेक्ट हाई फीवर होना इज इंडिकेटिव ऑफ दिस थिंग कि यार कुछ तो गड़बड़ है बॉडी में दया पता लगाओ फर्स्ट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी का ये होता है कुछ भी बैक्टीरिया कोई भी एंटीजन जब इन्फेक्ट करता है तो आपकी बॉडी अपने टेम्परेचर को रेज कर लेता है ताकि वो जो बैक्टीरिया है वो जो वायरस है वो सर्वाइव ना कर पाए तो उस बैक्टीरिया या वायरस को डिफीट करने के लिए बॉडी ने अपने टेम्परेचर को रेज किया है तो फीवर इज नॉट मोटर डिजीज फीवर इज इनफैक्ट एन इंडिकेशन कि हां भैया कुछ गड़बड़ हो चुकी है आपकी बॉडी में पता लगाओ एंड फटाफट से से इसको इसको कर कर लो, कर लो, फटाफट right? right, तो इसीलिए रहता है सेल्सियस प्लस जिसको हुआ है उसको बहुत अच्छे से पता है कि एक्सट्रीम वीकनेस हो जाती है स्टमक एक हो रहा होता है कॉन्स्टिपेशन एंड एकट आप लूज कर देते हो जब टाइफाइड होता है जब टाइफाइड होता है राइट एवरी वन राइट ये सब इसके सिम्टम्स uh, है अगर टाइफाइड होता है टाइफी से होगा फर्स्ट ऑफ ऑल अब कंफर्मेशन कैसे होगा कंफर्म आप कैसे करोगे कि यस yes, टाइफाइड हो चुका है उसके लिए कुछ ना कुछ टेस्ट होना चाहिए तो टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए वी हैव विडाल टेस्ट विच वन एवरी वन विच वन इन द कॉमेंट सेक्शन राइट नाउ जल्दी लिखो टेस्ट का नाम लिखो बच्चे काफी बार इस क्वेश्चन पूछा गया है कंफर्मेटरी टेस्ट इज योर विडाल टेस्ट विडाल टेस्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग से स्टोरी आपको समझाती हूँ फिर विडाल टेस्ट विडाल टेस्ट टाइफाइड के बारे में पता कैसे चला था किसी को पता है स्टोरी सेम लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख लगना कम हो जाता है भूख ही नहीं लगती आपको अब बेसिक मेटाबॉलिज्म के लिए आपकी बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट तो है अब भूख ही नहीं लगेगी आपको तो फूड खाना आपको पसंद ही नहीं आएगा खाना नहीं खाओगे तो ऑब्वियसली देर विल बी लॉस ऑफ एपिटाइट गैस एवरी वन यस विडाल टेस्ट विडाल टेस्ट विडाल टेस्ट अब एनसीआर ने आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन मैंशन करी हुई है अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलॉन मैरी मेलॉन एक स्त्री थी जो कि एक कुक थी एंड इस स्त्री का नाम टाइफॉइड मैरी रख दिया गया था क्यों क्यों मैरी मेलॉन बेसिकली कुक थी राइट एंड ऐसा माना जाता है हां बिल्कुल कुक वाली स्टोरी कि मैरी मैलोन ने इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ लोगों को टाइफाइड को स्प्रेड किया था कैसे किया था एनी आइडिया एनी आइडिया मैरी मैलोन जी, एनी आइडिया अब्दुर बताओ जी यस yes? कैसे स्प्रेड किया निशा वो तो खाना बना रही है वो तो खाना बना रही है, है ना मेरी मेलोन तो खाना बना रही है उसने स्प्रेड कैसे किया ये बताओ जल्दी बताओ ये देखो खाने में स्वाद नहीं आता वाह वा। खाना बनाने से ट्रांसफर कैसे हुआ बेसिकली टाइफाइड आपका इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो जो आपका फीकल मैटर होता है ये देखो लंच पैक करने में खिला खिला के मार डाला वाह वा। ये जो क्रिएटिविटी है ना की यही तुमको डॉक्टर बना के छोड़ेगी ये जो क्रिएटिविटी है लंच पैक कर रही थी मैम इसलिए फूड डिलीवरी के थ्रू पसीने से वाह वा, पसीने से एंटीजन बाहर कैसे आया मेरे लाल ये तो इंटेस्टाइन में है बैक्टीरिया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में है अब सुनो मेरी बात लंग्स के थ्रू क्यों भाई खाने में अपने लंग्स मिला रही थी लंग्स बाहर निकाल के चॉप 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 करके मिला रही थी हाँ ऐसा था एयर ड्रॉपलेट्स जी नहीं सबके फंडे बिल्कुल हिले हुए हैं सुनो मैरी मेलन बेसिकली ये जो डिजीज़ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू स्प्रेड होता है तो विच मीन्स जो फीकल मैटर होगा फीकल मैटर के अंदर आपका बैक्टीरियाज आएंगे सेलमोनिला टाइफी विल बी देयर इन फीकल मैटर राइट तो जब आप खाना बनाते हो या कोई भी स्त्री जब खाना बनाती है तो वेजिटेबल्स को चॉप किया उसके साथ में उसके साथ में आप जब हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में तो चपाती इज़ वेरी फेमस है ना तो चपाती के लिए आपको उस आटे को पूरा गूथना पड़ता है अच्छे से आटा गूंथना पड़ता है अब जब आप आटा गूंथ रहे हो इसीलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आपके नेल्स प्रॉपरली कट होने चाहिए तो अगर आपके नेल्स कट नहीं हैं राइट एंड आपके फीकल मैटर में बैक्टीरिया था तो वो बैक्टीरिया आपके नेल्स में आ चुका है राइट right? एंड उस उस नेल में जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है उससे अगर आप आटा लगाते हो तो इवेंचुअली दैट बैक्टीरिया विल बी ट्रांसफर टू जो आटा आप नीड कर रहे हो यस yes? एंड उसके आपने रोटी बना के खिला दिया सबको अरे भाई इतना ड्राइवेटिक नहीं होना उंगली कट गई होगी ये देखो उंगली उंगली कुछ नहीं कटी नॉर्मली इट्स सिंपल बायोलॉजी सिंपल बायोलॉजी यस नेल्स के अंदर इसीलिए आप देखना अगर कोई कुक भी रखता है तो वो उससे वेजिटेबल्स चॉप करवा लेते हैं वेजिटेबल्स आप बना सकते हो बट आटा लगाने वाली गतिविधि खुद ही करनी चाहिए इससे ये सीखने को मिलता है इससे ये सीखने को मिलता है नहीं ब्लड से नहीं हुआ ब्लड से कैसे ट्रांसफ़र होगा यार इंटेस्टाइन में है फीकल मैटर के थ्रू ट्रांसफर होगा राइट एवरी वन राइट तो बच्चे मेरे मैरी मेलन को इसीलिए इसका निक नेम रख दिया गया था टाइफॉइड मैरी बिकॉज इन्होंने काफ़ी सारे लोगों में टाइफॉइड को स्प्रेड कर दिया था काफ़ी सालों तक करती रही थी सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड और किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि दया कौन है और दया एक्चुअल में था कौन आपका मैरी मैलोन दया कौन था आपका मैरी मैलोन अजमल ऐसा नहीं है लेडीज के हाथ से नहीं खाना चाहिए तो आप खुद बना लो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर किसी को डिजीज है द थिंग इज यू शुड ऑलवेज कट योर नेल्स है ना अब भारत में हम टिश्यू पेपर्स तो यूज़ करते नहीं है तो शुड ऑलवेज कट योर नेल्स नेल्स को कट रखना चाहिए हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए स्टार्टिंग में ही चैप्टर के आपके दिया हुआ है कि हेल्थ एक्चुअली आपका फिजिकल वेलबींग नहीं है हेल्थ आपका मेंटल वेलबींग आपका फिजिकल वेलबींग प्लस हाइजीन प्रैक्टिस जो आप फॉलो करते हो एवरीथिंग इज देयर राइट एवरीवान समझ आ गया मजा आ गया सबको स्टोरी सुन के तो देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में सबने अंडरलाइन कर लिया बच्चों अंडरलाइन कर दिया सेल टाइफी को विडाल टेस्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया ने एंट्री कर ली है अंडरलाइन किया फूड एंड वाटर के थ्रू स्प्रेड हो रहा है अंडरलाइन हो चुका बच्चों अंडरलाइन हो चुका डन 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 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2017 का है अगेन वेरी लेटेस्ट क्वेश्चन अब देखते इस सवाल का आंसर तुम कितनी देर में करते हो कितना टाइम चाहिए बच्चों बताओ बताओ जी आ, रिफत खान बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा बच्चे मेरे कि मैम हीट करने से बैक्टीरिया मरा नहीं मेरे लाल जब आप आटा लगाते हो कभी मम्मी को देखना कि आटा कैसे नीड कर रही है मम्मी बस एक सिंपल कंटेनर में वो आटा रखती है उसमें पानी मिक्स करती है उसमें हीट कहां से आया बच्चे हीट कहां से आया बताओ है ना कितना टाइम लगेगा इसमें जल्दी बताओ ग्रेट 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 एवरी वन विडाल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ किसका डायग्नोस करते हो आप मलेरिया को ना जी ना निमोनिया बिल्कुल भी नहीं ट्यूबर क्लोसिस ट्यूबर क्लोसिस या फिर इट इज टाइफाइड टाइफॉइड इट विल बी योर टाइफॉइड अभी अभी हमने पढ़ा सेलमोनिला टाइफी प्लस विडाल टेस्ट इसपे काफी क्वेश्चन आए हैं बच्चों सॉल्व कर लोगे कितना टाइम लगेगा वन सेकेंड से ज्यादा तो नहीं लगाओगे वन सेकेंड से ज्यादा तो नहीं लगाओगे ना यस टाइफॉइड टाइफॉय द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ग्रेट एवरी वन आगे चलते हैं ये कहा दिया हुआ था ये अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया पेज नंबर 147 है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पेज नंबर 147 फोर्टी सेवन वहां पर लिखा हुआ है विडाल टेस्ट क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलोन निक नेम्ड टाइफॉइड मैरी इज वर्थ मैं कुक बाई प्रोफेशन एंड वॉज अ टाइफॉइड करियर टाइफॉइड को कैरी कर रही थी काफी सालों तक डन 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 चाली नेक्स्ट पे आ जाओ फिर दो हजार बारह पुराना है सवाल लेकिन इसमें लगना चाहिए आपको एक ही सेकेंड जस्ट वन सेकेंड एनसीआरटी में मार्क किया ना बच्चो एनसीआरटी में मार्क किया यस yes. 2012 का क्वेश्चन सॉल्व करो वन सेकेंड डू नॉट टेक मोर देन वन सेकेंड एवरी वन हां जी डू नॉट टेक मोर देन वन सेकेंड डॉक्टर सैम नहीं यही पीडीएफ है बच्चे यही पीडीएफ मिलेगा आपको पुराना नहीं मिलेगा टाइफाइड 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 ग्रेट 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 ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. ग्रेट ग्रेट आंसर इज अगेन योर टाइफाइड विडाल टेस्ट पे है 2012 का सवाल है नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों 2015 का है ये क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है सॉल्व करके दिखाओ टाइफाइड के आगे जो आपके एन में मैंशनड है है ना उस डिजीज के बारे में हम बात करेंगे अभी 2015 का क्वेश्चन है पहले सॉल्व करो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मैंशन है एन में नेक्स्ट पे आओ कॉमन कॉल डिफर्स फ्रॉम निमोनिया इन दैट सी जो भी ऐसे चैप्टर है जिसमें सोसाइटी को अवेयर करने का जिक्र किया हुआ है जैसे आपका ये ह्यूमन हेल्थ है जैसे आपका माइक्रोब्स है जैसे आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उनसे तो क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा इसीलिए अगर सिलेबस डिलीट भी हो रहा है तो इवोल्यूशन डिलीट होगा आपका राइट right? स्ट्रेटजीज वाला डिलीट होगा आपका लेकिन कभी भी ये वाले चैप्टर्स आपके डिलीट नहीं होंगे राइट एवरीवन आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्वेंटी फिफ्टीन दो हजार पंद्रह का सवाल है बच्चों ये सॉल्व करो यासमीन अलीना बिलाल अभिजीत अनोनोमस पर्सन गणेश राइट वे रंजू नंदा निकी ग्रेट 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 एवरीवन बहुत अच्छे बच्चों वेरी 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 नाइस देखते हैं इसका आंसर क्या है ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर कहा एनसीआरटी में लिखा हुआ है उसको हम समझेंगे हालांकि सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है ये हुआ ना मजा इसमें थोड़ा ट्विक करने से कितना मजा आ रहा है एकदम डबल एक्टिव हो गए हैं सारे बच्चे ज्ञान चक्षु पे प्रॉपर फोकस पड़ रहा है तुम्हारे है ना ग्रेट ग्रेट एवरी वन देखते क्वेश्चन क्या है कॉमन कॉल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया निमोनिया से कैसे डिफर करता है निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट्स एलविलाई वेयर एज द कॉमन कॉल्ड अफेक्ट्स नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स कॉमन कॉल्ड में लंग्स आपके अफेक्ट नहीं होते हैं सिर्फ आपका नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज में ही ब्लॉकेज होता है निमोनिया में आपकी एल्विलाई पूरी अफेक्ट हो जाती है चलिए देखते हैं सी में कहा लिखा हुआ है पेज नंबर वन फोर्टी सेवन वन पेज नंबर एवरी वन ओपन योर एनसीआर ओपन योर एनसीआर टी पेज नंबर वन फोर्टी सेवन एंड यू हैव ए पेंसिल विद यू पेंसिल प्लस पेज नंबर वन फोर्टी सेवन अच्छा ये कह रहे हो आप सेम आपके पास जो किताब है वो 2017 की है बच्चे मेरे ऐसी हमारे टाइम में इतना रेडिली अवेलेबल चीज़ें नहीं थी बट आपके टाइम में सब कुछ इंटरनेट पे दिया हुआ है तो लेटेस्ट एन आप डाउनलोड कर लो बच्चे 2019 के अंदर चेंजेस भी हुए हैं एन में तो वो भी आप इनकॉर्पोरेट कर लो ठीक है इसीलिए लेटेस्ट वाली एन को ही फॉलो करो राइट आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नोट क्वेश्चन पेज नंबर 147 ओपन एंड विद पेंसिल मार्किंग करनी है सबको बैक्टीरिया लाइक स्टेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफुलस इंफ्लुएंजा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन डिजीज विच इज निमोनिया ये निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है ह्यूम में राइट पॉजिटिव एजेंट कॉज़ेटिव एजेंट क्या है मेनली कहाँ पे अफेक्ट होता है क्या सिम्टम्स आते हैं ये तीन चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए हर डिजीज के बारे में राइट right, एवरीवन ये तीन चीजें फटाफट से लिखो निमोनिया को कॉज़ करने वाला कॉज़ेटिव ऑर्गेनिज्म इज योर बैक्टीरिया विच इज स्टेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा लिखो फटाफट से कॉमेंट्स में कॉमेंट्स में लिखो जल्दी से जल्दी लिखो होता क्या इसमें विच इन्फेक्ट द एलविलाई क्वेश्चन में mention था mention था निमोनिया में आपकी एलविलाईज इफेक्ट होती है ऑफ द लंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एलविलाई गेट फिल्ड विद द विद्लूड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पाइरेशन एलविलाई पे इंपैक्ट पड़ा है निमोनिया में डन है जी अब देखते हैं कॉमन कोल्ड में क्या होता है देखे देखे कॉमन कोल्ड में क्या होता है हाँ जी यस एवरी वन यस एलविलाई इसको पहले समझ लेते हैं आगे भी इसके सिम्टम्स क्या है इसके सिम्टम्स में आपको फीवर होगा ठंडी लगेगी कफ हाँ कफ आएगा हेड एक होंगे हेड एकक्स होंगे ठंड लगेगी आपको कफ आएगा काफ़ी ज्यादा सीवियर केसेस अगर हो गया ज़्यादा ही तो द लिप्स एंड फिंगर नेल्स मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश आपके लिप्स एंड फिंगर के नेल्स भी आ, का कलर भी चेंज हो सकता है ज़्यादा अगर सीवियर हो गया तो हेल्दी पर्सन को कैसे इन्फेक्शन होगा बट ऑविस सी बात है निमोनिया आपका कॉमन कोल्ड कोविड सब एक ही कैटेगरी के चट्टे बट्टे हैं सारे एक ही कैटेगरी के चट्टे बट्टे हैं ठीक है तो अगर आप ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेते हो भाई कफ तो काफ़ी कॉमन है अगर किसी पर्सन को निमोनिया है वो कफ कर रहा है स्नीजिंग हो रही है एंड आप बगल में बैठ के मजे ले रहे हो कि हाँ जी तू कफ़ कर रहा है चल कोई बात नहीं जब वो कफ़ करेगा तो उसके एरोजोल्स आपके ऊपर आ सकते हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर कर सकते हैं तो बच्चे इन्फेक्शन कैसे फैलेगा इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स या फिर एरोजोल्स रिलीज बाई एन इन्फेक्टेड पर्सन कुछ भी चीज़ आप शेयर करोगे शेयरिंग इज नॉट केयरिंग हेयर यहाँ पे शेयर करने का मतलब केयर करना बिल्कुल भी नहीं है ऐसे केस में बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है बाकी जगह पे शेयर करो लेक्चर शेयर करो अच्छी बातें शेयर करो ग्रेटिट्यूड शेयर करो लेकिन लेकिन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में ग्लासेस यूटेंसिल्स कपड़े कुछ भी नहीं शेयर करना है वहाँ पे अपना भाईचारा बहनचारा अपने साथ रखना है शेयर नहीं करना है राइट एवरी वन ये तो निमोनिया निमोनिया कॉमन कॉल्ड ये भी काफ़ी कॉमन है अब तो सीजन चेंज भी हो रहा है शीत लहर चल रही है तो ऑब्वियसली कॉमन कॉल्ड तो काफी बच्चे इसको एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे तो काफी वायरस जो ह्यूमन बींग में कॉज करते हैं कॉमन कॉल्ड को रीनो वायरस रिप्रजेंट्स वन सच ग्रुप रीनो वायरसेस जो कॉमन कॉल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ठीक है रीनो वायरस कॉमन कॉल्ड में क्या होता है क्या इसके सिम्टम्स बताने की जरूरत है क्या इसके सिम्टम्स बताने की जरूरत है जल्दी बताओ कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स क्या होते हैं ऑब्वियसली ड्रॉपलेट्स होते हैं है ना ये भी आपके नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है बट नॉट द लंग्स देख पा रहे हो एनसीआरटी ने एज इट इज मेंशन किया हुआ है कि कॉमन कॉल्ड में आपका नोज कहाँ है नोज आपका अफेक्ट करेगा रेस्पिरेटरी पैसेज अफेक्ट करेगा बट लंग्स तक नहीं जाएगा निमोनिया में तो लंग्स पे स्प्रेड हो रहा था समझ पा रहे हो अब वापस से करो जरा जरा वापस से देखो इस सवाल को वापस से देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था निमोनिया में इन्फेक्ट्स एलविल वेर एज कॉमन कॉल्ड में अफेक्ट्स नोस एंड योर रेस्पिरेटरी पैसेज नॉट द लेंस एग्जैक्टली यही आपकी एनसीआरटी में भी लिखा हुआ है इज दिस क्लियर जल्दी आओ समझ आया कि नहीं आया अंडरलाइन कर लिया कि नहीं कर लिया मैम कोरोना वायरस भी कॉमन कॉल्ड का एग्जाम्पल है आ, नहीं हैदर अली कोरोना वायरस कॉमन कॉल्ड का बिगड़ा हुआ बच्चा है है ना कॉमन कॉल्ड एक नॉर्मल है उसमें भी अगर बिगड़ गया तो वो कोविड हो गया ज़्यादा बिगड़ जाता है वो ज़्यादा वॉयेंट वाला बच्चा है यस है सब क्लियर क्लियर डन हालांकि सिम्टम्स यही है आपके डन 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 हो गया चलो नेक्स्ट पे चले बच्चों चले नेक्स्ट पे 2012 का एक सवाल जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मलेरिया डेफिनेटली एक सवाल जरूर आता है मोस्ट लाइकली मोस्ट लाइकली क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर विल बी फ्रॉम मलेरिया अब इसके भी सारे सवाल मैं आपको दिखाऊंगी आपको साइकिल भी समझाऊंगी पहले सवाल करने की कोशिश करो ज्ञान चक्षु पे थोड़ा सा जोर डालो तुम लोग आदर्श ठाकुर बिगड़े का मतलब यह है कि यस थोड़ा सा उसमें चेंज है म्यूटेशन तो नहीं कहेंगे आ, एंटीजन का अगर एक सीक्वेंस भी चेंज हो जाता है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड एंटीबॉडी है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी ठीक है हां जी योगेश निक्की पल्लवी नीट डॉक्टर उदय वेरी गुड यासिर प्रियंका साहू वर्षा चांदनी रिफत बहुत से बच्चे शाबाश वेरी 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 गुड एवरी वन सबका आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है मोटाइल आइगोट ऑफ प्लाज मोडियम कहाँ पे पाया जाता है गट ऑफ फीमेल एनोप्लीसमेंट आप देखते हैं इस पूरी साइकिल को समझे पूरी साइकिल समझते हैं पहले मलेरिया अगेन आई एम टेलिंग यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिजीज एक सवाल जरूर आएगा यहां से तो अपनी एनसीआरटी को तैयार रखो सारे बच्चे एनसीआरटी पेज नंबर वन 148 पेज नंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है आपका 8.1 वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम एवरीवन वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन इज विद मी एन सी आर टी माता की जय एवरी वन इज विद मी विद मी विद मी समझते हैं पूरी प्रोसेस को डिटेल में डायग्राम में भी पूरा मैंशन है डायग्राम इट सेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है एक बार टेक्स्ट पढ़ते हैं फिर डायग्राम पे चलते हैं ठीक है यस एवरी वन विद मी चलो जी स्टार्ट करते हैं प्लाज्मोडियम कहाँ से एंटर करता है प्लाज्मोडियम इज गोइंग टू एंटर द ह्यूमन बॉडी एज ए स्पोरोजॉइट स्पोरोजोइट एक इन्फेक्शियस फॉर्म है जो कहां पे है आपके फीमेल मॉस्क्यूटो में है एनोफ्लिस फीमेल एनोफ्लिस मॉस्क्यूटो में स्पोरोजॉइट प्रेजेंट है जो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन कॉज करने वाली स्टेज है ठीक है जी कहाँ पे है एनोफ्लिस में अब जब आप सो रहे होते हो तो मच्छर आते हैं कान में पी 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 कर रहे होते हैं वो क्या करने आते हैं वो आपको परेशान करने आते हैं वो परेशान करने नहीं वो आपको बाइट करने आते हैं तो जब फीमेल एनोफ्लीज़ ने आपको किया बाइट तो उस बाइट से आपका स्पोरोजोइट्स हुआ ट्रांसफर उस ह्यूमन में जिसके कान की तरफ वो पी पी कर रहा था ठीक है जिसके कान की तरफ वो पी पी कर रहा था वहां पर हुआ ट्रांसफर यस और नो हुआ ट्रांसफर हुआ ट्रांसफर फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो में है आपका स्पोरोट द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल तो ह्यूमन में पहले तो वो लीवर सेल में अपने आप को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा पूरा है ना लीवर सेल में मल्टीप्लाई करेगा एंड देन इट विल अटैक टू आरबिस अब ये भैया बहुत ही चलाक है प्लाज्मोडियम बहुत ही चलाक है उसको पता है लीवर में मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होगा जब मैं आरबिस में एंटर करूंगा तो ही तो ही तो ही तो मेरे सारे मंसूबे पूरे होंगे है ना तो आरबीसी मतलब ब्लड स्ट्रीम ब्लड स्ट्रीम में गया तो मतलब पूरी मशीनरी को ये टेक ओवर कर सकता है चलाक है देख रहे हो प्लाज्मोडियम पूरा चलाक बनता है अपने मन में है ना तो जैसे ही वो आर में एंट्री मारेगा मतलब अब अब आर में एंट्री करने के बाद इसके पास फुल कंट्रोल आ जाएगा किसका फुल कंट्रोल आ जाएगा आपके ह्यूमन वाले सिस्टम का ठीक है। आरबीसी में जाकर के बिल्कुल टॉक्सिन को रिलीज करेगा आरबीसी में जाकर के उसको रपचर कर देगा थोड़ा फोड़ी मचा देगा रब्चर करने के बाद आरबीसी में बेसिकली एक टॉक्सिन को रिलीज करता है जिसका नाम है हीमोजोइन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखो सारे बच्चे सारे बच्चे कम ऑन विच टॉक्सिन विच टॉक्सिन जल्दी बताओ फटाफट फट्ट से बताओ विथ टॉक्सिन आई एम टॉकिंग अबाउट चैट में भरमार आनी चाहिए मेरे पास आप बच्चों के आंसर्स की फटाफट से आंसर्स टॉक्सिन का नाम लिखो यार एनसीईआरटी नाम लिख रही है तो सिर्फ टॉक्सिन याद करने से कुछ नहीं होगा टॉक्सिन का नाम लिखना पड़ेगा याद करना पड़ेगा हीमोजॉइन हीमोजॉइन ग्रेट ग्रेट हीमो वर्ड लिया है आपके ब्लड से ब्लड से टॉक्सिन के लिए जॉइन वर्ड लिख दिया है ठीक है मोसो अब इसकी वजह से क्या होगा जब ये टॉक्सिन रिलीज हुआ तब जाकर आपको हाई फीवर होना शुरू होगा तब जाकर होगा काम कर चुका है अपना पहले से ही प्लाज्मोडियम एंट्री मार चुका है है ना प्लाज्मोडियम ने आरबीसी को भी रप्चर कर दिया है राइट आरबीसी रप्चर करने के बाद जब टॉक्सिन रिलीज हुआ तब जाकर के आपकी बॉडी को पता चला कि यस देयर इज समथिंग तब हाई फीवर आना स्टार्ट होगा राइट राइट right? अब जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो है अगर बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन अब ये इसको तो पता नहीं है कि मैं ऐसे कैरी भी कर रही हूँ प्लाज्मोडियम को तो जब ये फीमेल एनोफिलीज किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा राइट right? तो वो जो इन्फेक्टेड वाला वर्जन है तो ये पैरासाइट जो है ये मॉस्क्यूटो में एंट्री कर गया है ना अब मॉस्क्यूटो में अपनी दूसरी साइकिल को चलाएगा ये सेक्सुअल वाली मॉस्क्यूटो में एंट्री करने के बाद अपने आप को डेवलप करेगा अपने आप को ग्रो करेगा अब डेवलप करने के बाद ग्रो करने के बाद जो इसका इन्फेक्शियस स्टेज है वो अटेन होगा विच इज योर स्पोरोजोइट्स समझ पा रहे बच्चों जब फीमेल एनोफ्लीज ने इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया तो यह वाली स्टेज जो आरबीसी को रप्चर करके बाहर निकली है वो वाली स्टेज एंटर कर गई मॉस्क्यूटो में एंड फर्दर इसका डेवलपमेंट हुआ नाउ दिस पैरासाइट विल अगेन मल्टीप्लाई इट सेल्फ एंड विल फॉर्म इनिशियली प्रेजेंट थी मलेरिया दूसरे मॉस्क्यूटो की स्पीसीज नहीं एनोफ्लीज 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 आया समझ आया समझ आया समझ डन 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 अब एक बार इस डायग्राम को भी देख लो कहां है डायग्राम ये रहा डायग्राम एक बार इस डायग्राम को भी देख लेते हैं इस डायग्राम को देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले जब इस मॉस्क्यूटो ने किया बाइट बाइट करने के बाद इसने इसने बाइट करने के बाद में ट्रांसफर कर दिया है स्पोरोजॉइड स्टेज को राइट जो कि इंफेक्शियस स्टेज है किसका आपके प्लाज्मोडियम का ट्रांसफर कर दिया है ट्रांसफर हो गया ट्रांसफर होने के बाद बच्चे ये अपने आप को करेगा मल्टीप्लाई पहले लीवर सेल्स में गया उसके बाद जाएगा आरबीसीज में आरबीसीज तो इसका अड्डा है पूरा अड्डा है पूरा आरबीसीज को बस्ट करेगा टॉक्सिन को रिलीज करेगा टॉक्सिन को रिलीज किया बस्ट करते हुए टॉक्सिन को रिलीज करेगा जब वापस से फीमेल एनोफिलिस किसी इंफेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो क्या होगा ये पैरासाइट एंट्री कर गया इस मॉस्क्यूटो में एंड ये अपनी स्टेज को डेवलप कर कर लेगा एंड फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा आपके स्पोरोजॉइट्स वाली स्टेज में तो मॉस्क्यूटो को कुछ नहीं हो रहा वो सिर्फ स्प्रेड कर रहा है वो सिर्फ स्प्रेड कर रहा है उसको इट्स मलेरिया नहीं होता वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में स्प्रेड कर रहा है उसको फॉर्म में एक इन्फेक्शियस स्टेज में विच इज योर स्पोरो स्पोरोस एम आई क्लियर एम आई क्लियर और एम आई क्लियर बताओ जी एम आई क्लियर और एम आई क्लियर क्विकली टेल मी डन 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 कूल है कूल cool है डन चलो आप ये क्वेश्चन करके दिखाओ अब तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा इजीली हो जाएगा आपका ये वाला जो आप कर चुके हो पहले ही अब आप लोग ये वाला सवाल करके दिखाओ जो 2010 में आया था हाँ जी सॉल्व करो बच्चों सॉल्व करो क्विकली जल्दी सॉल्व करो बच्चे इस क्वेश्चन को हाँ जी सॉल्व करो फटाफट से आंसर आने चाहिए बच्चों फटाफट से आंसर आने चाहिए इसके वन सेकेंड आई कैन गिव यू वन सेकेंड मैम बच्ची इलेवेंथ का बिल्कुल पढ़ा दूंगी आप काहे टेंशन लेते हो भाई पहले ट्वेल्थ तो कंप्लीट कर लो मेरे लाल ये देखो बोध ही कह अर वाई फीमेल इज नॉट मेल Why female is not male? कैसी बात कर रहे हो? Good, 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 very, very, very good everyone. Where will you look for the sporozoites of the malarial parasite? कहाँ देखेंगे बंदूक? आप देखेंगे saliva of infected female Anopheles mosquito जिसने infected वाले uh, human को bite किया है उसके अंदर you will see this स्टेज विच इज डन 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 एवरीवन। कूल चले फिर आगे आ जाओ जी ये हम कर चुके हैं कंप्लीट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लाल आ चुका है एस्केरस पे एसकेरे ये सवाल है बच्चे 2012 का सवाल करिए जरा इसको सॉल्व ज्ञान शिक्षक पर डालो पूरा जोर फुल फोकस फुल फोकस ऑन ज्ञान चक्षु फिर एस्केरिस की बात करते हैं एस्केरिस की बात करते हैं प्रियंका आ, बच्चे आरबीसीस को तो बर्स्ट ही कर देगा आरबीसीस को फुल बर्स्ट कर देगा ठीक है हां जी सॉल्व करो डी डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी एंड एंड एंड, एंड। यार uh, सारी इंफॉर्मेशंस के लिए राजकुमार आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है देर इज जस्ट वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम विच इज़ यू हैव टू सब्सक्राइब आर अमेजिंग चैनल फटाफट से सब्सक्राइब कर लो सारे बच्चे बेल आइकन को प्रेस कर लो आपके पास आपके पास सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आते रहेंगे एंड पुराने बच्चे लाइक एंड शेयर लाइको कंजूस बच्चों लाइक एंड शेयर कौन करेगा इतनी मेहनत मैम करे तुम्हारे लिए है ना क्वेश्चंस छाट करके लेके आए एनसीआरटी को अंडरलाइन भी करवाए सारी स्टोरीज भी सुनाए तुमको बट तुम तो हो भैया कंजूस टोटल कंजूस है ना लाइक एंड शेयर एवरी वन ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी अजमल वर्षा सुनाली ग्रेट प्रिया रिफत खान डॉक्टर शबान बहुत अच्छे बच्चे ग्रेट, ग्रेट 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 ये देखो विनीता जोशी कह रही मैम यस आप सही कह रहे हो वाह मेरे बच्चे डन 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 चलो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इंफेक्शन ऑफ स्केरिस यूजुअली अकर्स बाय किससे होता है ड्रिंकिंग वाटर अभी अभी मैम ने आपको एक्सप्लेन किया कि आपको कंटामिनेटेड वाटर नहीं कंज्यूम करना चाहिए सी फूड um, अगर आप लेते भी हो तो द थिंग इज़ कि उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है वाटर तो आपका सीधा अच्छे से जो भी चीज़ इसमें कंटामिनेशन है वो भी मिक्सअप नहीं हो पाती आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में राइट एवरी वन तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी कहाँ दिया है एन में इसकी करते हैं थोड़ी सी बात एनसीआरटी पेज नंबर 149, 149 पेज नंबर ओपन करो बच्चों पेज नंबर 149 एवरीवन फटाफट से क्या लिखती है आप ये एनसीआरटी माता पेज नंबर 149 पे एस कैरेसिस द कॉमन राउंड वॉर्म किससे स्प्रेड होता है हर एक डिजीज का कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है पहली चीज आपको पता होना चाहिए दूसरी चीज उसके सिम्टम्स क्या है तीसरी चीज किससे स्प्रेड होता है ये तीन बातें आपके आपके ज्ञान चक्षु में आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए राइट प्रकाश गुड मॉर्निंग ठीक है डन 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 हैदर अली बच्चे उस केस में हम इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी इज समथिंग अगर इम्यूनिटी आपकी अच्छी है तो फिर आप पियो क्या दिक्कत है है ना बचपन में एंटीबॉडीज अगर आपने बना ली है तो तो बहुत अच्छी बात है डन विनीता जी थैंक यू वेरी मच डन 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 राउंड क्विक एवरी वन राउंड वॉम राउंड वम यस डन दिस आर द सम ऑफ द हेलमेंट्स विच आर नॉट टू बी पैथोजेनिक टू मैन अब देखो साफ साफ एनसीआर टी क्या लिखती है स्प्रेड कैसे हो रहा है ए हेल्थी पर्सन एक्वायर दिस इंफेक्शन थ्रू 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 कंटामिनेटेड वॉटर वेजिटेबल्स फ्रूट्स किसके थ्रू कंटामिनेटेड वाटर वेजिटेबल्स फ्रूट्स के थ्रू कोई भी हेल्दी पर्सन एक्वायर कर सकता है इस डिजीज को डन बच्चों यार अब इस सीरीज को हमको इतना टाइम हो गया एक चीज़ की क्लैरिटी तो मेरे हर बच्चे को आ चुकी होगी कि एनसीआरटी हमारी माता श्री है इसकी तो पूजा करनी चाहिए हमको वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन समझना चाहिए पढ़ना चाहिए काफ़ी अच्छे से अगर आपको चाहिए अगर आपका सपना ये है कि मुझे वाइट एप्रन प्लस टेथोस्कोप चाहिए तो बच्चे एन सी आर टी इज़ योर वन स्टॉप सोल्यूशन एन सी आर टी का वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली जल्दी ही ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ही आपका ये सपना पूरा हो सकता है लेकिन सी कोई भी गोल हमने अगर डिसाइड किया तो एक राइट वे उसको चूज करना होगा ठीक है तो सही तरीका क्या है चूज करने का सही तरीका है आपका आ, सेम बिल्कुल सही बिल्कुल सही उसकी इम्यूनिटी वीक है कॉमन सी चीज है सही तरीका स्मार्ट वे इज रीड आर मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल टाइम्स रीडेंसीआर डन 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 चलो ग्रेट चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपका 2012 में आया था 2012 का सवाल एग्जैक्ट लाइन आपको दिखाऊंगी फिर एनसीआरटी में एग्जैक्ट लाइन आपको एनसीआरटी में दिखाई जाएगी शेयरिंग इज केयरिंग डियर बच्चा शेयरिंग इज केयरिंग जितना आप शेयर करते हो उतना सी कर्मास गोल 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 होता है वट एवर यू गिव बैक टू सोसाइटी इन वन वे और अदर वे इट विल डेफिनेटली कम बैक टू यू सेम चीज से वापस आएगा मत सोचो बट किसी ना किसी चीज से वापस जरूर आएगा आपके साथ में आपके अच्छे कर्म आपके साथ हमेशा रहते हैं यस एवरी वन ये दाप बायुरु का ज्ञान बीच में सेशन के बीच वाला ज्ञान ट्वेंटी ट्वेल्व एवरी वन क्वेश्चन सोल्व करो एन विच डिजीज डिटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉजेज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल एनसीआरटी में वो एक ह्यूमन बींग बैठा हुआ है हाथी जैसा पैर लेकर के हाथी जैसा भारी भरकम पैर है है ना वही डिजीज की हम बात कर रहे हैं येस yes, एग्जैक्टली exactly, उसी डिजीज की बात हो रही है विच इज योर एलिफेंट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर अब देखते हैं कि एनसीईआरटी में कहां मेंशन है मैम कह रही है एनसीईआरटी एनसीईआरटी देखते हैं एनसीईआरटी में मेंशन कहां है पेज नंबर 149 बच्चों ओपन करो पेज नंबर 149 फटाफट से ओपन करो एलिफेंटएसिस लिखा है जहां पे इसके ऊपर की लाइन को थोड़ा अंडरलाइन कर लिया जाए इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मैनी हाथी पाओ भी बोलते हैं बिल्कुल कनीज फातिमा है ना अब देखो ना इसका डायग्राम दिया है मैम ने इसका डायग्राम देखो एनसीआरटी में एक पर्सन बैठा है आराम से चेयर पे इतना हाथी वाला पैर लेकर के एलिफेंटी एसिस डन तो है एनसीआर की लाइन यस सो नो है ना एनसीआर की एज इट इज लाइन एवरी वन एज इट इज लाइन यस चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 का सवाल एक एक सवाल चुन चुन के एक एक सवाल करना है हमको 2010 से लेकर के 2020 तक का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है एक भी वर्ड एक भी लाइन एनसीआरटी की जहां से सवाल आया है या आ सकता है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है हां जी सॉल्व करो रिंग बॉम इन ह्यूमन इज कॉस्ड बाय रिंग बॉम इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर से नहीं पढ़ा उस स्टेटमेंट को रिंग वॉम ग्रेट 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 एवरी वन रिंग वॉम इज कॉज बाय बायर फंजाई फंजाई से कॉज होता है रिंग वॉम जो लास्ट लाइन थी उसी में ही ऊपर लिखा हुआ था फंजाई के बारे में पेज नंबर 149 आप ओपन कर सकते हो पेज नंबर 149, फोर्टी नाइन वहां पर क्लियरली मैंशन है वर्ड बाई वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं बच्चों

वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शस डिजीज़ होता है ये राइट अपेयरेंस ऑफ ड्राई स्केली इस तरीके से ड्राई स्किन हो जाती है स्केली लेजेंस आ जाते हैं राइट ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन पे नेल्स पे आ जाते हैं स्केल पे यहाँ खोपड़ी में स्केल पे आ जाते हैं ऐसे निशान ऐसी ड्राइनेस हो जाती है राइट एवरी वन दे ये आपके मेन सिम्टम्स होते हैं मेन सिम्टम्स होते हैं एंड फिर जनरली ईचिंग होना स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे भी इतनी ड्राइनेस होगी बट नेचुरल ईचिंग जरूर होगी तो इंटेंस ईचिंग होती है राइट हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो हीट एंड मॉइस्चर अब फंजाई तो भैया फंजाई को तो थोड़ा मॉइस्चर वाली कंडीशन चाहिए ही मॉइस्चर वाली कंडीशन होगी हीट मिलेगी तो फटाफट से वो ग्रो करेगा ये देखो ऋषि कह रही है मैम खुजली बहुत होती है ईचिंग <laughs> और क्या होता है मेरे लाल ईचिंग और क्या होता है डान 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 क्लियर हुआ पेज नंबर वन फोर्टी नाइन यस पेज नंबर वन फोर्टी नाइन तो आज हमने आधा ही चैप्टर कंप्लीट किया है नेक्स्ट चैप्टर को जानने के लिए देखते रहना है गुरु बायो गुरु यस एवरीवन यस तो मिलेंगे आज इवनिंग में हम वापस से बच्चों पाँच बजे सुपर सीरीज awesome आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है मॉक टेस्ट मेक श्योर यू हैव योर वाइट शीट सैम की बात याद आ जाती है मुझे व्हाइट शीट है आपके पास में लेकर के आना है मेंशन करना है उसमें डेफिनेटली कल हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा पसंद आया तो अच्छी अच्छी कॉमेंट्स देना वो एनर्जी है हमारे लिए राइट right? जो भी नए बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम आए हमारी क्लास में मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन जो पुराने बच्चे हैं लाइक शेयर लाइक शेयर का सिलसिला बनाए रखो राइट एवरीवन विल सी यू इन द इवनिंग बाय बाय